हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वाली कटरीना कैफ की लाइफ पर। जब कटरीना ने हिंदुस्तान में अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया तब उन्हें ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आती थी और इसी वजह से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जब उनकी फिल्में हिट होने लगीं तो वो हर युवा दिल की धड़कन बन गईं। उनकी अदाएं, मुस्कुराहट और उनकी लुक्स के सभी दीवाने हो गए। कटरीना की शुरुआती फिल्मों में ये साफ देखा जाता था कि वो हिंदी को सफाई से नहीं बोल पाती और इसके बावजूद भी उनको काम मिलता रहा क्योंकि उनकी लुक्स की वजह से उनकी काफ़ी डिमांड रहा करती थी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कटरीना की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। अभी हमारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और हमारा सुहाग बेरहमी से उजाड़ दिया। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ। कटरीना का रियल नेम कटरीना तुर्कोटी है। कटरीना के पिता का नाम मोहम्मद कैफ है जो कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और कटरीना की मां का नाम सुजैन तुर्कोटी है और मां से ही उन्होंने अपना सरनेम लिया था। कटरीना के जन्म के कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। उनकी माँ सुजैन एक लॉयर थी और सोशल वर्क भी किया करती है। कटरीना के 7 भाई बहन हैं जिनमें 3 बहनें स्टेफनी, क्रिस्टेन और नताशा और 3 छोटी बहनें मलीसा, सोनिया और इजाबेल। 6 बहनों के अलावा कटरीना का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम माइकल है। कटरीना की एक छोटी बहन इजाबेल भी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। कटरीना जब छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। वो कहती हैं कि जब वो और उनकी बहनें बड़ी हो रही थीं तो इतने लोगों की परवरिश उनकी माँ ने ही की। कटरीना के फादर ने सबसे दूरी बना ली थी, इसीलिए सफल होने के बाद भी कटरीना ने कभी अपने फादर से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। कटरीना बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उन्होंने अर्ली टीन एज में ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। केवल 14 साल की उम्र में कटरीना ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया जिसके बाद उन्हें पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद कटरीना ब्रिटेन में ही नहीं दुनिया में एक फेमस मॉडल बन गईं। उन्हीं दिनों बॉलीवुड फिल्म मेकर कैजात गुस्ताद की नज़र कटरीना पर गई। कैजात ने अपनी आने वाली फिल्म बूम में काम करने का ऑफर उनको दिया। बूम फिल्म एक बड़े बैनर की फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, मधु सप्रे और पदम लक्ष्मी काम करने वाले थे। इस फिल्म में कटरीना ने कई हॉट सीन दिए और फिल्म में उनका गुलशन ग्रोवर के साथ एक किसिंग सीन भी था। साल 2003 में कटरीना को एक और फिल्म में काम मिला जिसका नाम था साया। साया मूवी में कटरीना एक्टर जॉन अब्राहम के साथ नजर आने वाली थीं, पर 2 दिन की शूटिंग के बाद ही उनको उनकी हिंदी कम बोल पाने की वजह से फिल्म से बाहर कर दिया गया। बूम फिल्म के बाद कटरीना को कई एड फिल्म और मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे, पर बड़े बड़े फिल्म मेकर उन्हें उनकी हिंदी बोलने की प्रॉब्लम की वजह से अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। कुछ टाइम में कटरीना भी ये बात समझ गईं और वो अपनी हिंदी लैंग्वेज पर काम करने लगीं। कटरीना को उनकी सेकेंड मूवी जो मिली थी वो एक तेलुगु फिल्म थी, नाम था मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी फिल्म काफ़ी सक्सेस रही जिसने कटरीना को अच्छी पहचान दिलाई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। मल्लेश्वरी फिल्म के लिए कटरीना को 70 लाख रुपए दिए गए थे जो उस टाइम किसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस को नहीं मिल पाते थे। साल 2005 में कटरीना की सलमान खान और सोहेल खान के साथ एक रोमांटिक मूवी आई थी, नाम था मैंने प्यार क्यों किया। ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही और इस फिल्म से ही कटरीना की दोस्ती सलमान खान से हो गई। बताया ये जाता है कि बॉलीवुड में सफलता उन्हें तब ही मिली जब उनकी सलमान खान से दोस्ती हो गई थी। मैंने प्यार क्यों किया मूवी के बाद कटरीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल हिट फिल्म देने लगीं। साल 2006 में वो पहली बार अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। मूवी थी हमको दीवाना कर गए। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और फैंस ने इस जोड़ी को भी खूब पसंद किया,
जिसके बाद कटरीना अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में नजर आईं और उनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। इसके बाद साल 2007 में आई अक्षय कुमार के साथ ही नमस्ते लंदन मूवी उनकी बहुत पसंद की गई और इसी साल उनकी एक और बड़ी हिट मूवी आई थी जिसमें वो एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। मूवी का नाम था वेलकम और वेलकम मूवी से कटरीना को बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मिल गई। साल 2007 उनके एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि इन दो फिल्मों के अलावा उनकी दो हिट फिल्में और आई थीं। एक थी अपने और इसी साल उनकी चौथी फिल्म आई थी पार्टनर जिसमें वो सलमान खान और गोविंदा के साथ नजर आईं। साल 2008 में भी कटरीना की चार फिल्में आईं जिनमें रेस और सिंग इज किंग सुपर हिट रहीं। सलमान खान से कटरीना की अच्छी दोस्ती थी लेकिन ज़्यादातर लोग इस रिश्ते को दोस्ती नहीं प्यार मान रहे थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। साल 2008 में कटरीना के बर्थडे पर शाहरुख खान और सलमान खान दोनों लोग आए थे तो उस पार्टी में शाहरुख और सलमान की किसी बात को लेकर बहस हो गई और बात काफ़ी आगे बढ़ गई। इस लड़ाई से न सिर्फ शाहरुख और सलमान की बोलचाल बंद हुई बल्कि कटरीना ने भी सलमान खान से इसके बाद दूरी बना ली और इन दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। एक पत्रकार ने जब कटरीना से पूछा क्या तुम्हें सुपरस्टार सलमान खान ने बनाया है तो ये सवाल कटरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो सलमान और किसी को सुपरस्टार क्यों नहीं बना देते, हमारी दोस्ती रही है लेकिन ये अफवाह गलत है। साल 2009 में भी कटरीना की तीन फिल्में आईं, न्यूयॉर्क, अजब प्रेम की गजब कहानी और दे दनादन। इस साल कटरीना की तीनों ही फिल्में जबरदस्त हिट रहीं और न्यूयॉर्क मूवी के लिए तो उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। साल 2010 में कटरीना की दो मूवी आई थी अक्षय कुमार के साथ 30 मार खां जो फ्लॉप रही और रणबीर कपूर, नाना पाटेकर और अजय देवगन के साथ राजनीति जो एक सफल मूवी थी। साल 2011 में उनकी जिंदगी न मिलेगी दोबारा मूवी सुपरहिट रही। इन्हीं दिनों कटरीना और सलमान खान में फिर से दोस्ती हो गई। लगभग 5 साल एक दूसरे से अलग अलग काम करने के बाद इस जोड़ी ने 2012 में एक था टाइगर मूवी से वापसी की। एक था टाइगर मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और इस मूवी में इन दोनों की लव स्टोरी को भी खूब पसंद किया गया और दोनों की जोड़ी को भी। इस फिल्म की सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 325 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। इतना कलेक्शन तब की फिल्में नहीं कर पाया करती थीं। साल 2012 में कटरीना की एक बड़ी हिट मूवी और आई थी जो थी शाहरुख खान के साथ जब तक है जान। बात करें कटरीना की इसके बाद आई सुपरहिट मूवीज़ की तो 2012 के बाद 2013 में धूम 3, 2014 में बैंग बैंग, 2017 में एक था टाइगर और 2019 में भारत, ये फिल्में भी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आती हैं। इसके बाद भी कटरीना की कई बड़े बैनर की फिल्में आने वाली हैं जैसे सूर्यवंशी, फोन बूथ, टाइगर 3 और जीले जरा। 14 साल की उम्र से मॉडलिंग स्टार्ट करने वाली कटरीना कैफ ने जो सक्सेस हासिल की वैसी सफलता गिने चुने लोग ही पा पाते हैं। कटरीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस भी बताया जाता है। फिलहाल तो नहीं पर कुछ टाइम पहले कटरीना हिंदुस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं। बात करें उनकी नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और उनके पास करोड़ों फैंस का प्यार है जो पैसों से भी बढ़कर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कटरीना की लव लाइफ के बारे में। बॉलीवुड में आने के बाद कटरीना की डेटिंग के चर्चे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सलमान खान के साथ ही रहे हैं। मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से शुरू हुई उनकी दोस्ती बहुत लंबी चली और ये दोस्ती आज भी है, पर लोगों ने इस रिश्ते को हमेशा अफेयर ही बताया और सलमान खान कटरीना ने कभी इस रिश्ते को दोस्ती से ज़्यादा नहीं बताया। सलमान खान के बाद कटरीना के रिश्ते के चर्चे रणबीर कपूर के साथ रहे और सही में ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे। साल 2009 में रणबीर और कटरीना एक दूसरे से मिले फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान और इस फिल्म की शूटिंग के बाद इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं
और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगे। इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों से कुछ लोगों को परेशानी भी हुई, जिनमें एक थी दीपिका पादुकोण जो इससे पहले रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड थी, और दूसरे थे सलमान खान जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। पर दुनिया की परवाह किए बिना रणबीर और कैटरीना लगातार साथ नजर आते रहे। इस रिश्ते को लोगों ने पक्का तब मान लिया जब दोनों की बीच की फोटोज वायरल हुई। इन फोटोज के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें की, पर रणबीर और कैटरीना चुप ही रहे। सलमान खान से जब इन वायरल फोटोज के बारे में पूछा गया तो इस बार सलमान खान ने दोनों को सपोर्ट करते हुए बोला कि हमें किसी की प्राइवेट लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। ऋषि कपूर और नीतू ने भी रणबीर और कैटरीना के रिश्ते को सपोर्ट किया। कैटरीना और रणबीर की एक फोटो और वायरल हुई थी जिसमें वो न्यू ईयर पर एक दूसरे को किस करते दिख रहे थे। हालांकि ये किस उन दोनों का आखिरी प्यार रहा, क्योंकि इसके बाद इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगीं। दूरियां बढ़ने का एक कारण था साल 2015 में आई मूवी तमाशा। तमाशा मूवी की वजह से दीपिका और रणबीर एक साथ आ गए और इन दोनों की केमिस्ट्री के चर्चे फिर से काफ़ी ज़्यादा होने लगे, और रणबीर ने भी कैटरीना से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कैटरीना ने कहा कि मैं किसी को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं ला सकती, लोगों की पसंद उनका हक है, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो स्वीकारना ही पड़ेगा। रणबीर से ब्रेकअप होने के बाद कैटरीना अपने दोस्त सलमान खान से मिलने गईं, जिसके बाद बहुत से लोग ये भी बोलने लगे कि इनके ब्रेकअप की वजह सलमान खान भी हैं। पर सच तो ये है कि दिल टूटने के बाद इंसान उसके पास ही जाता है जो उसे सबसे ज़्यादा तसल्ली दे, और सलमान खान कैटरीना के एक सच्चे दोस्त हैं। रणबीर कपूर के बाद कैटरीना की रिलेशनशिप की खबरें और तस्वीरें एक्टर विकी कौशल के साथ देखी जाने लगीं। दरअसल विकी की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी हिट होने के बाद वो एक स्टार बन गए। इसके बाद कैटरीना की दोस्ती विकी से हुई और वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। साल 2018 में करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में कैटरीना से पूछा गया कि उनकी जोड़ी किस एक्टर के साथ सबसे अच्छी लगेगी, तो कैटरीना ने विकी कौशल का नाम ले लिया। कुछ ही देर बाद विकी कौशल उस शो में पहुंचे तो करण जौहर ने उन्हें वो बात बताई जो कैटरीना ने बोली थी। ये सुनकर विकी ने खुश होकर कहा कि वो खुशी से बेहोश होने वाले हैं। कैटरीना और विकी की दोस्ती की शुरुआत उस अवार्ड शो से हुई थी जिसमें विकी कौशल ने मजाक मजाक में कैटरीना को प्रपोज कर दिया था। ये बात तो बस मजाक थी, पर इसके बाद ही उन दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। कैटरीना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादियों का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी डेटिंग की खबरें आने लगीं। दोनों ने ही कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, पर कभी इन खबरों को झूठ भी नहीं बताया। इसी साल अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने एक इंटरव्यू में ये खुलकर बोला कि कैटरीना और विकी रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोरोना काल में कैटरीना और विकी एक साथ कोरोना पॉजिटिव आए। इन सब चीज़ों से ये तय हो गया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अभी हाल ही में कैटरीना और विकी की सगाई की खबरें भी काफ़ी वायरल रहीं, लेकिन इस बात को कंफर्मेशन नहीं मिली। लेकिन बताया जा रहा है कि वो दोनों जल्द ही मजबूत बंधन में बंध जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कैटरीना की लाइफ और करियर के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कैटरीना का रियल नेम कैटरीना तुर्कोटी है और उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है। जब डायरेक्टर कैजात गुस्ताद ने बूम फिल्म के लिए कैटरीना को साइन किया तो उन्होंने सलाह दी कि कैटरीना अपने नाम से तुर्कोटी हटाकर कैफ कर लो। कैटरीना ने उनकी सलाह मानी और फिर वो कैटरीना कैफ नाम से ही बॉलीवुड में फेमस हुई। एक्टिंग में तो कैटरीना अव्वल हैं ही, इसके अलावा उन्हें पेंटिंग करना, शतरंज खेलना भी बहुत पसंद है और शतरंज की वो एक अच्छी खिलाड़ी हैं। कैटरीना कैफ अपनी हर फिल्म के रिलीज होने से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह जाया करती हैं। अजमेर शरीफ के अलावा फिल्म रिलीज होने से पहले वो सिद्धिविनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च भी जाया करती हैं। कैटरीना के पास मुंबई में 10 करोड़ और 17 करोड़ के दो अपार्टमेंट्स भी हैं,
जिनमें वो रहा करती हैं। करियर के शुरुआत में कटरीना को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उनकी शुरुआती कुछ फिल्मों में कटरीना की वॉइस किसी और वॉइस आर्टिस्ट से डब कराई जाती थी। कटरीना की मॉम एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर हैं और जब कटरीना भी सक्सेस हो गईं तो वो भी अपने बहुत से पैसे डोनेट करने लगीं। कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम में जो कटरीना ने प्राइज मनी जीती थी वो सारी की सारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने डोनेट कर दी। धूम 3 मूवी के लिए कटरीना ने कई तरह के स्टंट ट्रेनिंग दी थी जिससे वो अपने स्टंट आसानी से कर सकें और फिल्म में भी उनकी ट्रेनिंग साफ देखी गई। कटरीना के पास कई लग्जरी कारें हैं जिनमें 2 ऑडी और 1 मर्सिडीज शामिल है। कटरीना कैफ एक अच्छी डांसर हैं और उन्हें डांस करना इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि डांस से वो अपनी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखती हैं और वो दूसरों को भी फिट रहने के लिए डांस करने की सलाह दिया करती हैं। डांस के अलावा फिट रहने के लिए कटरीना जिम भी किया करती हैं। कटरीना ने साल 2017 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था और 1 साल के अंदर ही उनके इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। एक्टर वरुण धवन ने कॉफ़ी विद करण में बताया कि कटरीना जब कभी मिलने आती हैं तो जो चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं उन्हें साथ ले जाया करती हैं। इस पर कटरीना ने कहा, ले जाती हूँ लेकिन मैं पूछ कर ले जाती हूँ। साल 2011 और 2013 में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्री कटरीना कैफ ही रही थीं। रणवीर कपूर की फेमस फिल्म बर्फी की पहली पसंद कटरीना कैफ ही थीं, लेकिन कुछ परेशानी आ गई जिसके बाद उनका वो रोल इलियाना डिक्रूज को दे दिया गया। साल 2010 में एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में मदद करने के लिए कटरीना कैफ और AR रहमान ने एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था राइम स्कूल। बात करें कटरीना की स्कूलिंग की तो कटरीना पढ़ाई करने के लिए कभी स्कूल नहीं गई हैं, उनकी पढ़ाई होम क्लासेस से ही हुई थी। कटरीना कैफ की मां ने उन्हें पढ़ाया है। जैसा हमने आपको बताया, कटरीना एक बेहतरीन डांसर भी हैं, पर जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब उन्हें डांस करना नहीं आता था। उन्होंने डांस सीखने के लिए बहुत मेहनत की, इसीलिए वो एक शानदार डांसर बनकर सामने आईं। रणबीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद कटरीना ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो इससे काफ़ी हर्ट हो गई थीं और डिप्रेशन में भी चली गई थीं। कटरीना कैफ टैलेंटेड तो हैं ही, साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। एक क्विज में उनसे इंडिया के बारे में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें से उन्होंने सभी सवालों का एकदम सही जवाब दिया था। बात करें कटरीना की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है और उनका बॉडी वेट लगभग 57 kg है। हिंदुस्तान में इतने टाइम काम करने के बाद भी कटरीना की सिटीजनशिप ब्रिटिश ही है, वो भारत में वर्क वीजा पर रहा करती हैं। बात करें कटरीना की सोशल मीडिया फेम की तो फेसबुक पर लगभग 33 मिलियन फॉलोवर्स, ट्विटर पर 18 लाख फॉलोवर्स और इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ बिताए हर पल से और अपने आप से भी कि मैंने कभी तुमसे कोई रिश्ता रखा। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्ट्रेस कटरीना कैफ की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपने कटरीना की ज़्यादातर मूवी देखी हैं तो कमेंट करके बताएं उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं कटरीना अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। गुड़िया तू सजी रे, गुड़िया तू सजी रे, नाजुक से मोती जो खिल गए रे, खुशियाँ ये सारी है मिल गई रे, बंधन कभी भी ना छूटे।
गुड़िया तू सजी रे, गुड़िया तू। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।